दोस्तों ये है जालना का ऐतिहासिक मोती तालाब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इतिहास की गूंज में आज हम देखेंगे जालना के मोती तालाब का इतिहास। दोस्तों इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ से इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों पहले के ज़माने में तो आज के जैसे पाइपलाइन सिस्टम नहीं होता था, जैसे कि तालाब एक जगह है और कई सौ किलोमीटर दूर से हम पाइपलाइन के द्वारा हम पानी ले सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जहाँ पे तालाब है उसके ही के आसपास में इंसानी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन जालना में जहाँ पे काली मस्जिद, जमशेद खान सराय और जमशेद खान हॉम है, उसी के पास पानी की किल्लत थी, इसीलिए जमशेद खान द्वारा इस ऐतिहासिक मोती तालाब को बनाया गया था। और यहाँ से नहर के द्वारा पानी जो है तो वहाँ तक लेके जाते थे। तो हम उसी नहर को देखेंगे। नहर के ऊपर आज के ज़माने के जैसे वॉल बिठाए गए थे, अगर पानी वगैरह कहीं पे अड़क जाता है तो उसे वॉल के द्वारा उसे निकाला जाता था दोस्तों, तो उसी वॉल को हम देखेंगे। उससे पहले आइए मैं आपको मोती तालाब के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मोती तालाब की वॉल, आप देख सकते हैं। और पास में जो झाड़ी दिखाई दे रही है वो मोती तालाब। और पास से यहाँ पे एक मुख्य सड़क जाती है जालना शहर की। तो दोस्तों कुछ इस तरह है ये वॉल। ऐसे पैरिया भी है पानी में उतरने के लिए। तो मोती तालाब के मैंने कुछ सीन्स आपको दिखा दिए हैं, तो चलो उस नहर के पास जाते हैं जो कि हिस्टोरिकल है, उसके आज उसकी कंडीशन कैसी है वो सारे कुछ हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों ये है मोती बाग, छत्रपति संभाजी उद्यान। और यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं। उस ऐतिहासिक नहर के कुछ मॉन्यूमेंट, कुछ निशान मौजूद है, उसे ही देखने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों ये है वो पहला मॉन्यूमेंट जिसे हम देखने को आए हैं। दोस्तों ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, यहाँ से अंदर जाने के लिए से रास्ता है, तो इसे अंदर जाके हम देखेंगे। इसका कुछ भाग अब मिट चुका है, मिट्टी डल चुकी है, इसीलिए अभी जो मौजूद की स्थिति है ये इस तरह है उसकी। दोस्तों इसके ऊपर चढ़ के हमें बताना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जो है रास्ता है इसे, अभी मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं चढ़ गया हूँ, ऊपर से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरह से है ये। नहर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पत्थर और चूने में बना हुआ है ये। अंदर मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से ये बुझ गया है। बेरंग
फिर भी बेमिसाल ये ऐतिहासिक नहर। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पहला वॉल है, मैंने इसके ऊपर चढ़ के आपको बताया। ऐसा ही और एक वॉल यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर है, तो दोस्तों अभी वहाँ पे जाके दिखाऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों दूसरा वाला वॉल यहाँ पर है, पहले वाले से इसकी हाइट थोड़ी कम है। ये भी पत्थर और चूने से बना हुआ है। इस वॉल के अंदर पत्थरों से भरा पड़ा है और पूरा मूंछ दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने दोनों वॉल देखे हैं, ऐतिहासिक वॉल जो कि जालना के मोती तालाब से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से पानी जो काली मस्जिद और जमशेद खान सराय था वहाँ तक पहुँचाया जाता था। जो टेक्निक थी उस ज़माने की बेहद ही खूबसूरत और हैरत अंगेज टेक्निक थी। नहर के द्वारा यहाँ पे पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।